नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल वॉच MP4 में। दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट किए हैं कि सर मेरी गाड़ी है इंडिका, उसमें एवरेज का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज इसकी डिमांड के हिसाब से मैं आज चला हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं इस वीडियो में, जानते हैं कि एवरेज कहाँ से दिक्कत हो सकती है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कि मिस्त्री को ज़्यादा मालूम रहता है कि कितना फ्यूज इसमें दिया जाता है, कितना तेल दिया जाता है, इसके ऊपर एवरेज देता है। तो प्लीज़ आप लोग मिस्त्री से आप दिखा रहे हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगी, मान के चलिए 200 या 250 रुपये आस पास में लगेगी, खाली एवरेज सेट करना पड़ता है, इसके वजह से दिक्कत होती है, ज़्यादा तेल खाती है। तो आप लोग प्लीज़ मिस्त्री से ही करें प्लीज़। तो मैं बता दे रहा हूँ क्या दिक्कत होती है, कहाँ एवरेज का मामला मतलब होती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एंड तक आप लोग वीडियो प्लीज़ देखें, तो आपको समझ में आएगी कि एवरेज कहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो चलते हैं वीडियो के आगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये टाटा इंडिका V2 सादा गाड़ी है, जो इसमें क्या होती है कि जो पंप होती है, जैसे तेल वाला जो पंप होता है, जैसे सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होते तो पंप मारना पड़ता है, उसमें ही दिक्कत होता है, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। और इसका नाजिल जो होती है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से दिक्कत होती है। बोनेट खोल के चलते हैं, बोनेट खोलते हैं और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बोनेट कैसे खोल कर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर डिमांड आ रही है तो वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग एंड तक नहीं देखते हैं तो प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक करें, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है, और मैं भी अच्छा पोजीशन पर जा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट पूरा अच्छा तरह से ही करें प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से दिक्कत हो सकती है। ये पंप है, इसमें दिक्कत भी हो सकती है, एक कई बार क्या होता है कि ये बराबर तेल नहीं देता है, इंजन को ज़्यादा तेल देता है, तो इसको भी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ इसको आप लोग चेक करा सकते हैं, नीचे लगा रहता है इसमें, इसका नीचे रहता है पंप डीजल वाला, तो आप इसको भी चेक करा सकते हैं। और ये नाजिल है आपका, यहाँ पर नाजिल लगा रहता है, ये नाजिल है आपका, और ये चार पंप होता है, 1 2 3 4 चार पंप रहता है, इसमें भी दिक्कत हो सकती है, बराबर कई बार तेल इसको नहीं मिलता है, पूरा ज़्यादा भर भर के तेल मिलता है, इसकी वजह से एवरेज प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मिस्त्री से ही चेक कराएं, घर पर प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर घर पर प्रयोग कर रहे हैं तो और गाड़ी आपका ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग मिस्त्री से ही चेक कराएं, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आती है, मान के चलिए इसमें 200 या 300 के आसपास में इसका खर्चा आएगा सेट करवाई, अदर कोई पैसा नहीं लगता है, हमारे यहाँ तो इतना लगता है, अब आपके यहाँ जो भी चार्ज लगता हो इसमें, लेकिन कोई भी मिस्त्री इतना इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो आप लोग यहाँ से नाजिल का प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नाजिल भी फेल हो जाती है, बैक हो जाती है, तो वो ज़्यादा तेल देने लगती है, तो प्लीज़ आप लोग इसको भी चेक करवा सकते हैं, इसमें किट लगी रहती है, वाल भी लगी रहती है, वो भी ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा तेल फेंकती है, तो ज़्यादा तेल फेंकेगी तो इंजन आपका ज़्यादा तेल लेगा, तो उसमें इंजन भी ख़राब होने का चांस होती है। तो आप लोग प्लीज़ सेट करवा लें, नहीं तो आपका समस्या हो सकती है, प्लीज़ आप लोग सेट करवा सकते हैं, सेट करवा ले। और इसको भी थोड़ा खोल के दिखवा सकते हैं, यहाँ पर ये नट होता है खोलने वाला, इसको भी खोल कर दिखवा सकते हैं कि ज़्यादा आपका गाड़ी रेस तो नहीं है, अगर इसको भी देख सकते हैं, ये रेस वाला होती है, ये भी अगर टाइट है, ये भी अगर टाइट हो रहता है रेस वाला, तब भी तेल ज़्यादा खाती है, तो प्लीज़ इसको भी आप ढीला कर सकते हैं, यहाँ से ढीला करने वाला होता है, ये भी यहाँ पर ये माइलेज सेट करने वाला होता है, ये जो नट होती है ना, ये जो नट होती है देखिए यही है, ठीक है ना, अगर आपका ज़्यादा रेस है तो इसको आप खोल सकते हैं, इसको आप खोल के हल्का हल्का इसको ढीला करें, जब ये ढीला करेंगे तो जब टाइट करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक, ढीला करेंगे तो ये ऐसे टाइप में, मतलब ऐसे पीछे की तरह आएगा, इधर आएगा, इधर आप ढीला करेंगे तो इधर आएगा, तो इधर हमको चाहिए, इधर नहीं चाहिए, अगर इधर हो रहा है तो ये रेस ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग इधर करें, इधर कर सकते हैं, यहाँ से भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ से भी दिक्कत आपको हो सकती है, ये पंप है, यहाँ से भी आपका दिक्कत हो सकती है। तो बस इतना ही प्रॉब्लम होती है माइलेज के ऊपर,
तो अगर ये सब प्रॉब्लम होती है तो माइलेज आपका गाड़ी नहीं दे सकती है। कभी क्या होता है, पंप ये पाइप हो फट जाता है, इसके वजह से दिक्कत हो सकती है, तेल इधर बाहर गिर जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि इंजन में प्रॉब्लम आ गई इसकी वजह से माइलेज नहीं दे रही है। तो प्लीज़ आप लोग इसको भी आप चेक करा सकते हैं, इसको भी देखा, ये चार उपाय आप चेक करवा सकते हैं बारी बारी करके, बस यही होती है। तो आपको आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और माइलेज के ऊपर जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसको भी आप लोग समझ गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक देखें, सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब नाउ, टेक केयर, बाय बाय।